सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आज का जो लाइट्स वगैरह जो है ना, बैकग्राउंड और ऐसा भी बहुत अच्छे से आ रहा है। सो बेसिकली आज का ये जो वीडियो है ना, ट्रैवल एक्सपेंसेस पे आपको पैसे कैसे बचाने उसके ऊपर है। जितने भी लोग अभी आ रहे हैं, अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, तो उन सब के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा है। आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से आपको 50 पाउंड का एक्स्ट्रा वाउचर मिलता है। कैशबैक तो मिलता ही है, बट इसके अलावा 50 पाउंड आप लोग को और एक्स्ट्रा मिलता है ऊपर, और बहुत अच्छे ऑफर्स है, आप लोग बुक कर सकते हो। लाइट्स बहुत अच्छे हैं आज बाय द वे। सो बहुत ही कलरफुल वीडियो दिख रहा है। हाँ, तो ट्रैवल एक्सपेंसेस के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। जितने भी लोग आ रहे हैं यूके में, तो भाई यूके में देखो ट्रैवलिंग जो है ना थोड़ा कॉस्टली जाता है। आप लोगों को ट्रैवल पे एक्सपेंस कितना करना है उसके ऊपर मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। खाने से ज़्यादा ट्रैवल का भी एक्सपेंसेस जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो भाई आपको पैसे कैसे बचाने हैं, ठीक है। नंबर वन ये है कि आप लोगों को बस से ट्रैवल आप लोग कर सकते हो सिटी के अंदर, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको स्टूडेंट डिस्काउंट पे 1 पाउंड में आप लोग पूरे सिटी में कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट डिस्काउंट आपका बस वालों का। आपको बस से दूर भी जा रहे हो, जहाँ पर 3-4 पाउंड, 5 पाउंड, 10 पाउंड लगता है, वहाँ पर आपको सिटी के अंदर 1 पाउंड में पूरा आपका ट्रैवल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला डिस्काउंट आपको बस से ट्रैवल करना है सिटी के अंदर। अब जैसे आप लोग सिटी के बाहर जाते हो, ठीक है, तो सिटी के बाहर एक ऑप्शन आप लोगों को मिलता है, जिसमें आप लोगों को रेल कार्ड, एक ट्रेन लाइन करके एक ऐप होता है, ट्रेन लाइन का मैंने स्क्रीनशॉट देख रखा है, ये स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। ट्रेन लाइन ऐप में आप लोग जो भी है एक पास होती है, रेल कार्ड पास होती है, तो वो जो रेल कार्ड होता है ना वो आप लोगों को ख़रीद लेना है। जैसे कि मान के चलिए 1 साल का या 3 साल का होता है, 20 पाउंड या फिर 50 पाउंड का होता है 3 साल का डिस्काउंट्स में। तो उससे फिर आप लोग कितनी भी ट्रेन की बुकिंग करो आपको 1/3 डिस्काउंट मिलता है, सिर्फ 2/3 प्राइस आपको पे करना है। लाइक यानी कि 33% परमानेंट डिस्काउंट है पूरा, जब तक आप लोग वो पास ख़त्म नहीं होता तब तक। तो 20 पाउंड देके यार फिर 1 साल का पूरा आप लोग 33% सेविंग कर सकते हो। अगर आप लोग का ट्रेन से ज़्यादा आना जाना है तो आप लोग महीने में 1 बार 2 बार भी ट्रैवल करते हो ना, 1 बार भी करते हो तो भी वो पैसा है ना वो वसूल हो जाता है। तो भाई ट्रेन लाइन ऐप पे आप लोगों को रेल कार्ड बना लेना है। जितने लोग ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं सिटी के अंदर, तो बस से आप लोग को सफ़र करना है। थर्ड ऑप्शन ये है, इसमें है ना एक ऑयस्टर कार्ड आता है, ठीक है। जितने भी लोग स्पेसिफिकली लंदन वगैरह आ रहे हैं ना बड़ी सिटीज में, तो इसमें है ना ऑयस्टर कार्ड एक होता है, जिससे कि आप लोगों को फिर से वो ट्रेन का वैसे ही पास और डिस्काउंट वो सब उस पर चलता है। ऑयस्टर कार्ड जो है ना उसके थ्रू भी आप लोग बहुत पैसे बचा सकते हो। आप लोग यकीन नहीं करोगे, जितने भी लोग लंदन वगैरह बड़ी सिटीज़ में आ रहे हैं ना, तो उन लोगों का इतना पैसा ट्रैवलिंग में जाता है लगभग, यानी कि जैसे ग्रोसरी का एक्सपेंसेस बता दूँ मंथली यूके का 10,000 के लगभग जाता है, 10,000 रुपये यानी कि लगभग 100 पाउंड। कुछ लोगों का लंदन में सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंस 15,000 जाता है महीने का। तो पैसे बचाना ज़रूरी है। पास की जगह पर आप लोग बसेस से ट्रैवल करो, और अगर सिटी के बाहर जाना है तो ट्रेन से जाओ। इसमें भी और एक ऑप्शन आपके पास में ये होता है कि एक ऐप है जिसका नाम है फ्लिक्स बस ऐप होता है। इस ऐप पर आप लोगों को बहुत ही कम रेट्स में बसेस मिलती हैं। अभी जैसे कि शेफील्ड और लंदन, ये काफ़ी डिस्टेंस है, लगभग 3.5 घंटे का डिस्टेंस है, 3.5 घंटे का सफ़र, जिसमें मैंने ट्रेन से आ गया था, मैं मुझे पता नहीं था, इसमें मैंने लगभग 90 पाउंड खर्च किए हैं, यानी कि लगभग 9,000 रुपये। तो फ्लिक्स बस पे जो शेफील्ड टू लंदन का जो टिकट्स है ना वो सिर्फ 6 पाउंड का है, 600 रुपये का, जिसके मैं 9,000 रुपये दे के आया। तो फ्लिक्स बस का ऐप भी आपको डाउनलोड कर लेना है। आप लोग अगर सिटी के अंदर कहीं पर भी जाते हो तो उसमें आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा। आप लोगों को वो ऐप्स जो है ना वो यहाँ पर जैसे ही आप लोग आओगे ना तो आपको प्ले स्टोर पर वो ऐप मिल जाएंगे, ऐप स्टोर पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करो। इसमें आप लोगों को जितने भी है, जैसे ही आप लोग कहाँ जाने का प्लान करते हैं ना, तो आराम से सब दोस्त लोग मिलकर प्लान करो, अकेले प्लान कर रहे हो जैसे भी है तो बसेस देख लो, ट्रेन्स देख लो, आपको कौन सा बेटर ऑप्शन है और जल्दी पहुँचना है टाइम पर। मतलब कभी कभी होता है ना कि अरे यहाँ पर लेट होने का वैसे सिस्टम नहीं कि ये ट्रेन 2 घंटा लेट है, ये ट्रेन 5 घंटा लेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब टाइम पर पहुँचता है। तो आप लोग को वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप लोग ट्रेन से आना जाना करते हो तो। और बसेस से इतना ही कि बसेस के जो स्टॉप्स होते हैं ना, जो इंटरसिटी बसेस चलती है दूसरी सिटीज़ में, तो वो बसेस अलग होती है और सिटी बसेस अलग होती है। तो वो बसेस के लिए शायद आप लोग को हो सकता है थोड़ा दूर जाना पड़े, बट वो जाना वो जो है ना वो आप ऊबर से जा सकते हो, वहाँ से फिर आप लोग को डायरेक्ट बस मिलता है। सो गाइस, ऐसे आप लोग को ट्रैवल एक्सपेंसेस पे पैसा बचाना है। ट्रैवल एक्सपेंसेस एक बहुत मेजर जो है ना वो खर्चे का एक पार्ट होता है हर महीने का। ट्रैवल एक्सपेंसेस में आपको बहुत सारे पैसे आप लोग बचा सकते हो। पर्सनली मेरा वैसे कुछ उतना खर्चा है नहीं, ट्रैवल में उतना करता नहीं हूँ, बट हाँ मैं जल्दी ट्रैवल भी शुरू करूँगा जैसे मेरी एक बार पढ़ाई ख़त्म होती है, मेरी जॉब शुरू होती है, तो तब तक
ट्रैवलिंग को मतलब थोड़ा छुट्टी है, उतना ट्रैवल नहीं करेंगे, बट हाँ वीडियो लाता रहूँगा। और हाँ अकोमोडेशन ढूंढ रहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर कोई भी टॉपिक पर डाउट है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगला वीडियो उस पर बनाऊंगा। टिल देन कीप वॉचिंग अर्जुन शर्मा चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।